नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बासी रोटी से गुलाब जामुन बनाकर बताएंगे, तो एंड तक बने रहें हमारी वीडियो के साथ। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो ये बासी रोटी है, जो तीन रोटियां हैं, तो इसको हम इस तरीके से रोल बना लेते हैं। ये ज़्यादा पतला है तो ये जो मोटा वाला है इस पे हम इसको इस तरीके से घसेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। या हम इसको अपने हाथों से क्रश कर सकते हैं, क्योंकि ये बासी रोटी है तो आसानी से क्रश हो जाएगी। तो ये देखिए, एकदम आसानी से क्रश हो रही है। आज मैं किसी दूसरे के छत पर लेटी हुई हूँ, रात का टाइम है, वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो वो पेड़ के नीचे सोई है, ये पीपल का पेड़ है, तो इसकी हवा जो है ज़्यादा तेज तेज से चल रही है तो वीडियो में आ रही है। इस तरीके से हमने सारी रोटियों को क्रश कर लिया है। तो चलिए अब हम गैस के ऊपर कढ़ाई रख कर गरम कर लेते हैं। फिर कढ़ाई जो हमने रख दिया है गरम हो गया है, तो इसमें हम मस किए हुए क्रश किए हुए रोटी को डालकर ड्राई होने तक इसमें सुखाएंगे, भूनेंगे बिना तेल के। ये ड्राई हो चुकी है, पूरी तरह अच्छे से नहीं हुई है, तो इसको हम निकाल लेते हैं, एक प्लेट में रख देते हैं ठंडा होने के लिए, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। ये रोटी जो है ठंडी हो चुकी है, तो इसको मिक्सर में डालकर हम पीस लेंगे। ये मेरी मिक्सर जो बहुत ही छोटी है, मिनी मिक्सर है, तो इसमें शायद अच्छे से पीस नहीं पाएगा। ये मिनी मिक्सर होने के नाते ये जो है अच्छे से नहीं पीसा है। आपके पास अगर बड़ा मिक्सर है तो आप इसको अच्छे से बारीक कर लीजिए, हल्का दरदरा होना चाहिए। तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। हमने 100 ग्राम के जितना मिल्क पाउडर ले रखा है, तो हम इसको इसमें मिला लेते हैं। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप दूध को गाढ़ा करके और उससे इसको गूंथ सकते हैं। दूध को उबाल कर थोड़ा गाढ़ा कर लीजिए। इसमें 2 चुटकी बेकिंग सोडा मिला लीजिए, या जो हम खाने का सोडा या मीठा सोडा बोलते हैं उसको मिलाना है, बेकिंग पाउडर नहीं मिलाना है। और इसको अच्छे से मिलाने के बाद हम पानी से गूंथ लेंगे। अगर बेकिंग सोडा नहीं मिलाएंगे तो ये जो गुलाब जामुन है वो सख्त बनेंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा, आधा कटोरी यानी 50 ग्राम के जितना, उससे कम ही होगा, हम गेहूं का आटा मिला रहे हैं, यानी बहुत कम मिला रही हूँ। अगर आटा गीला हो जाता है, ये जो डो हम तैयार करते हैं, तो उसमें थोड़ा हम फिर से आटा मिला लेंगे। तो इसको अच्छे से मिलाते हुए हम थोड़े थोड़े पानी मिलाकर, और एक ना ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम आटा, मीडियम टाइप का आटा गूँथ कर तैयार करेंगे। जैसा हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त गूँथेंगे इसको। अगर आटा लगे कि ज़्यादा नरम है तो थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाकर टाइट कर लीजिए, और ज़्यादा सख्त लगे तो इसमें पानी डालकर, या दूध से गूँथ रहे हैं तो दूध डालकर इसको थोड़ा नरम गूँथ लीजिए। अब ये आटा जो हमने गूँथ लिया है तो इसको ढककर आधे घंटे के लिए रख देते हैं। आटे के गोलियां जब तक हम बनाएंगे तब तक हम चाशने के लिए चीनी रख देते हैं। तो ये कटोरी से हमने 1 कटोरी चीनी ले लिया है, और इसमें हम
दो कटोरी पानी मिला देंगे। अगर आप मीठा थोड़ा कम खाना चाहते हैं तो चाशनी थोड़ी पतली कर लीजिए, थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दीजिए, यानी आधा कटोरी और पानी बढ़ाकर डाल लीजिए। एक ठीक कटोरी में लगभग 200 ग्राम चीनी आया होगा, जिसका हमने चाशनी बनाने के लिए गैस पर रख दिया है। तो ये जो आटा है, हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगाते हैं और आटे में से थोड़ा सा आटा लेकर गोल गोल लोइयां या गोलियां हम बना लेते हैं। अगर आटा सख्त लगता है तो इसमें पानी या दूध डालकर इसको फिर से गूंथ कर नरम कर सकते हैं। तो इस आटे को अपने हथेली पर लेकर रगड़ते हुए और इसको इस तरीके से हम गोल बना लेंगे। इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो तेल में जाएंगे तो फट जाएंगे। तो इस तरीके से हम सारे आटे के गोले बना लेंगे। तो चलिए अब हम चाशनी को देख लेते हैं। तो हमारी चाशनी जो है पक चुकी है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। ये जैसा उबाल आ रहा है देख लीजिए, इस तरीके का उबाल आए तो चीनी चाशनी समझ लीजिए पक गई है। तो ये जो झाग है इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, चाशनी को ऐसे ही रहने देते हैं, बस इसमें इस तरीके से उबाल आया है। इसको जलाना नहीं है क्योंकि इसको जमाना नहीं है, इसमें हमको गुलाब जामुन को डुबोना है। तो ये देखिए, हम कढ़ाई में तेल इस पर रख देते हैं और गर्म होने देते हैं, और जो हमने गुलाब जामुन के बॉल्स बनाए हैं इसमें हम डालकर तल लेते हैं। तेल को गर्म करने के लिए गैस का फ्लेम हमने हाई कर रखा था, तो अब हमने लो और मीडियम के बीच में कर दिया है और इसमें हम सारे बॉल्स को डाल लेते हैं। तो ये जो हमने पहले पहले डाला तो तेल ज़्यादा गर्म था, तो थोड़ा ये देखिए लाल हो गया है। तो इसमें हम बाकी सारे बॉल्स को डाल लेते हैं और एक रंग होने के लिए हम सबको एक साथ फ्राई कर लेंगे। मीडियम और लो के बीच में गैस का फ्लेम रखेंगे। इसको हम चलाते हुए अच्छे से तलेंगे, और हमने जो है गोले जो है थोड़े बड़े बड़े बनाए हैं तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा तलने के लिए। तो ये देखिए, ये हमने धीमी आंच पे तला है तो सब एक रंग का हो गया है, ये तल चुका है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इसको अब हम प्लेट में निकालते हैं। तो ये हमने 3 इलायची ले रखी है, उसके दाने हैं छोटी वाली इलायची के, हरी वाली। अगर आपके पास और ज़्यादा है तो डाल सकते हैं, मेरे पास इतना ही था। तो इसको हम अच्छे से इस तरीके से इस पे जितना बन सकता है पाउडर बना लेते हैं और इसको हम चाशनी में डाल लेंगे। इसको हम डालकर चाशनी में मिला देते हैं और अब हम जो गुलाब जामुन के बॉल्स तल कर रखे हैं उनको इसमें मिलाएंगे। तो हम सबसे पहले एक तोड़ कर देख लेते हैं कि अंदर से कच्चा तो नहीं ना है। तो देखिए अच्छी तरह से पक चुका है। तो ये सारे बॉल्स को इसमें हम डालकर और इसको ढककर रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चलिए अब हमने सारे बॉल्स को डाल लिया है, इसको अच्छे से मिला लेते हैं इस तरीके से और इसको हम ढक कर रख देते हैं। तो आइए, सुबह हो चुकी है, रात भर हमने इसको ऐसे ही रखा था, तो इसको अब हम निकाल लेते हैं एक सर्विंग बाउल में। इसको हम एक दूसरी प्लेट में लेकर चख कर बताते हैं। तो ये देखिए, ये अभी उतना सॉफ्ट नहीं हुआ है, तो ये ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा बुरा नहीं है। अब रोटी का है तो रोटी के जैसा ही होगा। तो आप इस तरीके से बनाकर ट्राई कर सकते हैं।